दो महीने से मणिपुर जल रहा है, इस देश का अभिन्न हिस्सा मणिपुर जल रहा है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने सुध लेने की नहीं सोची है। 130 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, हजारों लोग विस्थापित हैं, लाखों करोड़ों की संपत्ति जलकर स्वाहा हो गई है, लेकिन प्रधानमंत्री ने न हिंसा की भर्त्सना की है, न शांति की अपील करी है। अपनी छवि बनाने में और अपना मजबूत बूथ बनाने में वो ज्यादा व्यस्त है। गृह मंत्री ने तो पलड़ा झाड़ लिया है, वो बिहार घूम रहे हैं, और सत्तारूढ़ दल के अध्यक्ष जेपी नड्डा को कोई फर्क ही नहीं पड़ता, वो स्थान में जहर उगल रहे हैं। लेकिन असलियत यह है कि इस देश में एकमात्र व्यक्ति ऐसा है, राहुल गांधी, जो वहां जाकर मणिपुर के अपने भाइयों और बहनों को यह विश्वास दिलाना चाहते हैं कि देश उनके साथ खड़ा है। वो उनके आंसू पोंछना चाहते हैं, उनको ढांढस बनाना चाहते हैं, उनके साथ मोहब्बत जताना चाहते हैं। और ऐसा करने पर उनको क्यों रोक रही है भारतीय जनता पार्टी? वो इंफाल एयरपोर्ट से महज 20 किलोमीटर बड़े ही थे कि उनको रोक दिया गया। उसी प्रशासन ने जिन्होंने पहले जाने की अनुमति दी थी, एकाएक बोला आप ऐसे नहीं जा सकते और आपको हवाई मार्ग से जाना पड़ेगा। ऐसा किसका प्रेशर था, किसकी कॉल आई, क्यों ऐसा किया गया, ये सारे सवाल है। और क्या इस देश में मर्म पर मरहम लगाना अब जुर्म है? क्या देश के लोगों से मुलाकात करना अपराध है? क्या ये पाप है? और असली बात तो ये है, राहुल गांधी जी को वहां रुका देखकर आस पड़ोस के जो लोग थे, ग्रामीण लोग, वो वहां पर आ गए, उसमें महिलाएं थी जो चाहती थी कि वो जाएं और आगे रिलीफ कैंप में लोगों से मिलें, उनके ऊपर इस बर्बर निरंकुश प्रशासन ने आंसू गैस के गोले दागे। ये किस तरह के लोग हैं और ये किस तरह की बातें करते हैं? और नफरत से भरा तानाशाह आखिर मोहब्बत और प्यार को देखकर इतना डरता क्यों है? आज सवाल ये है। लेकिन जितना हम राहुल गांधी को जानते हैं, जब एक बार वो गंतव्य पर जाने के लिए निकल पड़ते हैं तो वहां जाकर ही दम लेते हैं, चाहे वो लखीमपुर हो, चाहे वो हाथरस हो। जब उन्होंने मन बना लिया है तो वो लोगों से मिलकर जरूर आएंगे, क्योंकि इस समय मणिपुर को जरूरत है कि कोई उनका हाथ थाम कर ये बोले, हम आपके साथ मुश्किल की इस घड़ी में खड़े हैं और परीक्षा की इस घड़ी को मिलकर पार करेंगे। और यही काम करने, भारत को जोड़ने राहुल गांधी जी वहां गए हुए हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।